हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आयुष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष एंड आयुष एक्सपेरिमेंट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाला हूँ एक स्ट्रिंग लाइट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बनाया इसे, आप मोबाइल में कनेक्ट करके चला सकते हैं फ्रेंड्स, मोबाइल से या पावर बैंक से भी चला सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, खींच सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कि रात में करते हैं, बेसिकली इसकी यूज रात में होती है फ्रेंड्स। अगर रात में आप लाइट जला के कुछ काम करते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत डांट पड़ने लगती होगी घर से कि लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है वगैरह वगैरह, बहुत लोगों का ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये बहुत सुंदर और छोटा सा बनाया है। तो फ्रेंड्स, देखिएगा इसे मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर और फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक ले लिया है लकड़ी ले लिया है फ्रेंड्स, एक पतला सा लकड़ी है ये फ्रेंड्स, मैंने मार्केट से फल वाले फ्रूट वाले दुकान से मैंने लाया है फ्रेंड्स। और इसमें आपको अपने मोबाइल के हिसाब से मार्क लगा के फ्रेंड्स इसे सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं मोबाइल से आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। फ्रेंड्स, मैंने मोबाइल ले लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें इसका हाफ मार्क लगाऊंगा फ्रेंड्स। मैं इसकी पहले ब्रेड देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 4 सेंटीमीटर है, तो मैं इसमें कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा फ्रेंड्स। तो मैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए फ्रेंड्स, मैं इसमें 4.5 का इसका रेडियस रखूंगा फ्रेंड्स। 8 सेंटीमीटर आ रहा था, तो मैं 4.5 सेंटीमीटर रखूंगा। और 4.5 सेंटीमीटर का मैं मार्क लगा के फ्रेंड्स मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इसमें इसके बीच में मैं फ्रेंड्स बल्ब लगाने के लिए मैं 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं 3.5 का मार्क लगा के फ्रेंड्स मैं एक बीच में सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, कर लेते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैंने 3.5 का मार्क लगा के मैंने इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है बीच में। इसकी भी बीच की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, देख सकते हैं फ्रेंड्स है। अब फ्रेंड्स, मैं इस गोल वाले को मैं काट के निकाल लूँगा। तो मैं फ्रेंड्स काट के निकाल फ्रेंड्स, मैंने इसे एक सर्कल काट लिया है। काटने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था। और फ्रेंड्स, मैंने ये एक रिड्यूसर लिया है फ्रेंड्स, जिससे कि मैं इसका लाइट ब्राइटनेस को कम बेसी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मुझे मार्केट से फ्रेंड्स 15 रुपये की मिली है। तो मैं फ्रेंड्स इसे भी लगाने के लिए मैंने इसमें कट लगा लिया है फ्रेंड्स, मार्क लगा के मैंने इसे कट लगा लिया था फ्रेंड्स। तो आप भी अपने हिसाब से जहाँ जैसी आपको जैसी सुविधा हो फ्रेंड्स, उसी आप लगा सकते हैं ला के मार्केट से। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप यही वाले लगाएं। और फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर बल्ब लगाने से पहले मैं इसमें फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं एक कार्टून का ये लाया था मैंने फ्रेंड्स। इसमें एल्युमिनियम फॉइल जैसा ही लगता है, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे काट लिया है फ्रेंड्स। मैंने इससे हल्का बड़ा काटा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसमें जो ये लगाऊंगा फ्रेंड्स, तो इससे पूरा येलो बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स, इसे मैं इसे पूरा अच्छा से अंदर ढकने के कारण मैंने इसे फ्रेंड्स काटा है। और फ्रेंड्स, इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी है। इसकी बीच की गैप है फ्रेंड्स, आप इसके बीच की गैप है फ्रेंड्स 1.5 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स इसकी गैप, इसके बीच की गैप है। और फ्रेंड्स, मैं इसे इसमें लगाने से पहले फ्रेंड्स मैं इसके पीछे में एक साइड फॉर्म लगा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं बाई चांस मैं इसे मोबाइल के पीछे लगाऊं तो फ्रेंड्स ये मोबाइल में स्क्रैच नहीं आ जाए स्क्रीन में फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं इसके पीछे फॉर्म लगा दूंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने फॉर्म लिया है, इसे मैं लगा दूंगा इसके पीछे साइड फ्रेंड्स काट के, इसके मार्क लगा मैं काट के आपको दिखाता हूँ फॉर्म। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक साइड लगा दिया है फॉर्म। अब फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह से इस पर लगा के चिपका दूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसे मोबाइल के पीछे लगाने के लिए फ्रेंड्स मैंने कुछ ये हुक टाइप का बना लिया है फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसी लकड़ी के टुकड़े का मैंने काट के फ्रेंड्स हल्का हल्का चौड़ा चौड़ा फ्रेंड्स इसे मैंने, इसकी भी मैं आपको लंबाई दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी लंबाई है फ्रेंड्स लगभग मान लीजिए फ्रेंड्स 2.5 सेंटीमीटर है। ये भी फ्रेंड्स सेम ही है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास ही है ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स। तो मैंने इसे काट कर लगा लिया है फ्रेंड्स। इसे मैं इस तरह से लगाऊंगा, इस तरह से मैं फिट करूंगा फ्रेंड्स। मैं मोबाइल पर लगा के फिट करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से मोबाइल में जाके ये हुक जैसा जाके लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फ्रेंड्स, मैं इसी टाइप से हुक जैसा मैं लगाऊंगा फ्रेंड्स, जिस तरह से ये इस तरह से फ्रेंड्स पीछे मोबाइल के पीछे रुक जाएगा। और मैं इस तरह से रखूंगा फ्रेंड्स कि इस तरह से रखूंगा फ्रेंड्स इस मोबाइल के बीच में कि फ्रेंड्स इसे दिखे नहीं। तो मैं आपको इसे चिपका के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने इसमें लगा दिया है। और फ्रेंड्स, इसमें लगाने के बाद मैं इसे पीछे इस तरह से रख के फ्रेंड्स अब मैं
मोबाइल ले आता हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने मोबाइल ले लिया है। अब फ्रेंड्स किसी किसी के मोबाइल में फ्रेंड्स फ्रंट साइड में कैमरा होता है, किसी के कोना साइड में कैमरा होता है, उसके कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। आप मैं इस तरह से फोन रखूंगा फ्रेंड्स, और मैंने दोनों स्पेशली मैंने दोनों तरफ के कैमरे वालों के लिए बनाया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो मैं इस तरह से इसे लगा के फ्रेंड्स इस तरह से इस दोनों को रख के फ्रेंड्स मैं इसमें मार्किंग कर लेता हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि मैं इसमें लगाने में मुझे आसानी होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से रख के मैं मार्क लगा के आपको दिखाता हूँ चिपका के, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसे लगा दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जस्ट इसी तरह आपको इसी टाइप से लगाना है। और फ्रेंड्स जैसे मैंने इसे पीछे लगाया था सेम इसी तरह मैंने आगे के लिए भी काटा था फ्रेंड्स, तो मैं इसे भी ले आके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जस्ट इसी तरह मैंने इसे काटा था, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने जिस जगह काटा था सेम उसी जगह काटा है फ्रेंड्स। इसे इस जगह इस तरह से लगाऊंगा फ्रेंड्स। तो इसे लगाने से पहले फ्रेंड्स इस जगह तो मैंने एक लगाया था कंट्रोल करने के लिए कि आप कितनी ब्राइटनेस रख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसे इसके इनपुट देने के लिए आउटपुट देने के लिए फ्रेंड्स। तो मैं इसमें एक चार्जर सॉकेट लगाऊंगा फ्रेंड्स, तो मैं उसे आपको लेकर आकर दिखाता हूँ किस तरह चार्जर सॉकेट लगाना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स तो मैंने ये ले आया, इसे आपको इस तरह से इसमें लगाना था फ्रेंड्स, तो इसे मैं आपको लगा कर दिखा सकता हूँ। इसमें मैंने वायरिंग कर दी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग इसमें मैंने वायरिंग कर दी है, और इसे फ्रेंड्स इस तरह लगाना है। और मैंने एक चार्जर पिन ले लिया है फ्रेंड्स, इसे भी मैं इस जगह इस तरह टाइप से मैं इसे लगाऊँगा फ्रेंड्स। तो इसे लगाने के लिए मैं कट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको कट करके इसे दिखाता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसे छील लिया है दोनों तरफ से, अच्छे से तरह से छील लिया है फ्रेंड्स। मैं इसे इस तरह से ये इस जगह रहेगा लगा हुआ फ्रेंड्स, तो मैं इसे बाहर साइड से इस तरह से लगाऊंगा फ्रेंड्स। तो मैं इसमें लगाने के लिए इसमें मार्किंग लगा लेता हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इसी तरह से फ्रेंड्स मार्किंग लगा के इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स, जैसे मार्किंग लगा कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैं इसे आपको कट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ कट लगा लिया है, इसमें भी मैंने कट लगा दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसे इस तरह से इसमें रख के इस टाइप से, और इसे इस तरह से मैं इसे रखूँगा, और मैं इसे इंस्टेंट मूव चिपकाता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे ऊपर लगाने के लिए मैं बल्ब लेके आता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बल्ब दिखाता हूँ मैं किस तरह का बल्ब इसमें उपयोग करूँगा फ्रेंड्स। तो मैं लाता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने कुछ बल्ब ले लिए, इसे हमारे यहाँ तो बटन रेडी कहते हैं, आपके यहाँ जो कहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स मैंने मार्केट से लाया है, मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा है इसे, इसकी एक बल्ब की प्राइस है फ्रेंड्स 2 रुपये। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब फ्रेंड्स मैं इस बल्ब को इसके ऊपर लगाऊँगा फ्रेंड्स, तो मैं इसे इस तरह से लगाऊँगा। इस तरह से लगाने के लिए फ्रेंड्स मैं इसे गोलाकार में इंस्टेंट ग्लू से इसे मैं पैरेलल में सारे बल्ब को कनेक्ट करूँगा फ्रेंड्स। में ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है इस साइड निगेटिव साइड की तरफ, निगेटिव साइड के फ्रेंड्स चिन्ह रहता है, और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव का साइन रहता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट करूँगा फ्रेंड्स, मैं इसे पैरेलल में कनेक्ट करके और वायर कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव साइड है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव को मैंने सारे को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और ये एक चार्जर पिन को भी मैंने इसी में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में लगा दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और इसे इसमें लगाना कोई आसान बात है फ्रेंड्स, इसमें जो दो वायर निकले हैं रेड कलर के और ब्लैक कलर के, तो मैं दोनों को एक बल्ब के नेगेटिव में और एक दूसरे बल्ब के नेगेटिव में लगा दिया है फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने एक बल्ब के नेगेटिव में लगा दिया, एक बल्ब के नेगेटिव में लगा दिया है फ्रेंड्स, मैंने एक वायर रेड कलर का, बस सिंपल कनेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें कोई हार्ड कनेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं आसानी से, बस इसी टाइप को कनेक्शन करना है फ्रेंड्स। इसमें आपको दो वायर जो रहते हैं वो आपको दोनों एक ही साइड में कनेक्ट करना होता है, निगेटिव चाहे साइड में कीजिए चाहे आप पॉजिटिव साइड में कीजिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको दिखाता हूँ एक बार जला कर ये किस तरह से काम करता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसे लगा दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, सेल की ब्राइटनेस आप कम कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्राइटनेस आप कम कर सकते हैं। एक बल्ब में मैंने इसलिए फ्रेंड्स लगाया है कि अगर इमरजेंसी में आप इसे टॉर्च के तरह से भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसके सारे बल्ब जला सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैं प्लास्टिक सीट लगाऊंगा, इस तरह लगाएंगे फ्रेंड्स ये आँख में आपकी आँख जो नहाने लगेगा फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक सीट से इसको कवर कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैं प्लास्टिक सीट लाता हूँ इसकी कवर करने के लिए फ्रेंड्स, मैं इसे बंद कर देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ये प्लास्टिक सीट लिया है, ये मोटर वेल्डिंग शॉप के पास से आप जाके ले सकते हैं फ्रेंड्स, ये मुझे 30 रुपये का मिला है फ्रेंड्स। इतना बार आप चाहें तो आप
जाके हिसाब से जितना आपको चाहिए फ्रेंड्स उतना आपको मिल सके ले लीजिएगा जाके वहाँ से। ये मैंने 30 रुपये का लाया फ्रेंड्स, तो मैं इससे अब कट लगा देता हूँ कुछ पीसेस, मैं आपको कट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने 2 पीसेस कुछ कट कर लिए हैं। ये फ्रेंड्स मैं इसको इसके आउटर साइड में लगाऊंगा फ्रेंड्स एक पीसेस को, और इस तरह से लगाऊंगा फ्रेंड्स इसे, और एक को मैं अंडर साइड से लगाऊंगा। फ्रेंड्स मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इसे चिपका दिया है सेम इसी तरह से, मैंने इसे कुछ नया लुक मॉडल दिया है। आप फ्रेंड्स अपने बता सकते हैं ये किस टाइप का शेप लग रहा है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे की टेस्टिंग कर लेते हैं। इसे मैं मोबाइल में लगा के आपको एक फ़ोटो खींच कर दिखाता हूँ कि अच्छी लाइटनिंग करती है कि नहीं करती है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छी तरह से कलर वलर कर दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें इसे लगा के आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स की लाइटनिंग, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको बल्ब ऑफ करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये लाइट कर रहा है, मेरे पूरे घर को रोशनी कर दिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी सुंदर लाइटिंग कर रही है। अब फ्रेंड्स मैं इसमें आपको मोबाइल लगा के फ़ोटो खींच कर आपको एक दो फोटो दिखाता हूँ फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको इसी टाइप से लगाना है। मैं आपको देख सकते हैं मैंने बोला शुरू में बताया था कि मैंने एक कॉर्नर साइड वाले कैमरा के लिए लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से लगाना है, और मैं आपको एक फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं मैं एक फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ आपको, और मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा ये किस कैसा फ़ोटो आता है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। कम से कम इसमें फ्रेंड्स आप 100 लाइक तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। आप लोगों का ज़रूरत का मैंने चीज़ बनाया था फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये बहुत यूज़फुल फ्रेंड्स है। आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं फ्रेंड्स। टोटली फ्रेंड्स बाय। अब मैं अगली वीडियो अब मेरी बहुत दिनों बाद आने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसी वजह से मैं फ्रेंड्स अब वीडियो अपलोड नहीं करूँगा इधर 1-2 महीना। तो फ्रेंड्स टकले इंतजार कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अब 2 महीने बाद। बाय फ्रेंड्स।